हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो फाइनली अब आप लोगों का री नीट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। एनटीए ने ऑफिशियली एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया है, जो 17 जुलाई को आप लोगों का नीट का एग्जाम हुआ था। जिन सिटीज़ में भी नीट यूजी 2022 को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उन सिटीज़ के बच्चों का री नीट एग्जाम होगा एंड उसका एडमिट कार्ड आप लोग एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपके री नीट एग्जाम की जो भी डेट एंड टाइमिंग रहने वाली है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरे पास ये एक एडमिट कार्ड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है री नीट 4th September एडमिट कार्ड रिलीज। ओके, तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड की डिटेल्स हैं, वो आप लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर, ये जिसका भी एडमिट कार्ड है उसका हिंदी मीडियम होगा, इसलिए हिंदी। अगर आपने इंग्लिश फिल किया होगा तो आपको इंग्लिश में आएगा। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो री नीट का जो एग्ज़ाम होना है, वो आपका होगा 4th September को, संडे के दिन। एंड जो टाइमिंग दिया है यहाँ पर रिपोर्टिंग एंट्री टाइम, वो है 9 AM। मतलब कि हर हाल में आपको 9 AM में वहाँ एंटर हो जाना है। 9:30 तक लास्ट टाइमिंग आपकी रहेगी, क्लोजिंग टाइम रहेगा, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। जो 17 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ था, वो इवनिंग टाइम में हुआ था, जबकि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका मॉर्निंग में होगा। इसका टाइमिंग दिया है टेस्ट का 10 AM से लेके 1:20 PM तक। वैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस बार 20 मिनट्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। यहाँ पर आपका 10 AM से लेके 1:20 PM तक एग्ज़ाम चलेगा। बाकी जो ये सेंटर नंबर, नेम एंड जो आपका एड्रेस, जो सेंटर है जहाँ पर आपका, वो सारी डिटेल्स आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी। तो प्लीज़ डू चेक योर एडमिट कार्ड। अगर आप लोग भी उन सिटीज़ में से हैं और आप लोगों के टाइम पर भी प्रॉब्लम हुई थी एंड आपका रीनीट एग्ज़ाम होना है, एंड कौन कौन सी सिटीज़ हैं वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। देख सकते हो ये लेटर के थ्रू एनटीए ने कुछ सिटीज़ बताई थी आपको। 2022 अगस्त को ये रिलीज़ हुआ था। यहाँ पर लिखा भी हो, आप देख सकते हो, बेस्ड ऑन दोज रिपोर्ट्स इट वॉज एविडेंट दैट देयर आर 6 separate इंसिडेंट्स विच माइट रिक्वायर एनटीए टू रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन। मतलब कि जो 6 सिटीज़ थी जहाँ पर उनको लगा कि नीट फिर से कंडक्ट होना चाहिए, यानी रीनीट होना चाहिए, तो एनटीए ने उन रीनीट कंडक्ट कराने के लिए उन सिटीज़ का जो भी ये सेंटर एंड सिटी वगैरह है, वो आपको यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। एंड यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी एंड अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, री एग्जामिनेशन मे बी कंडक्टेड फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट्स एज़ पर द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर वो कौन सी 6 सिटीज़ एंड स्टेट हैं, जो भी आप देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो है आपका कोलम, केरला। वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई, अगर आप वहाँ के रहने वाले और आपने वहाँ पे सेंटर में एग्ज़ाम दिया था, तो आप लोगों का भी रीनीट एग्ज़ाम होगा। आप लोग अपना एडमिट कार्ड जाके चेक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। एंड सिमिलरली यहाँ पे सेंटर नेम एंड एड्रेस दिया हुआ है। एंड यहाँ पर फिर लिखा हुआ है नंबर ऑफ अफेक्टेड कैंडिडेट्स, जिनको अफेक्ट हुआ था, जिनको प्रॉब्लम हुई थी, तो कौन कौन दे सकता है। यहाँ पर लिखा है ओनली फीमेल, फीमेल यहाँ पर सिर्फ दे सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, जो प्रेजेंट थे, प्रेजेंट और एबसेंट का भी केस है। अगर आप सोचो कि आपने 17 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं दिया, आप उस दिन एबसेंट हो गए, तो अभी आप जाकर दे सकते हो, आपको फिर से एक मौका मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। जो 17 जुलाई को वहाँ पर प्रेजेंट थे, वही लोग अभी 4th September को जाकर एग्ज़ाम दे सकते, अगर आप उन इफेक्टेड सिटीज में से हैं, अदरवाइज नो। फिर सेकंड है आपका श्री गंगानगर, राजस्थान। यहाँ पे आपका सेंटर नेम एंड एड्रेस दिया, आप लोग रीड कर लीजिएगा। चाहे तो ये PDF मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड करा दूंगी, सो मेक श्योर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज एडुटी डिस्कशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो यहाँ पर जो भी हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स थे और जो 17 जुलाई को प्रेजेंट थे, सिर्फ वही दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब लिखा भी हुआ है कि जो भी अफेक्टेड कौन कौन थे, वही लोग दे सकते हैं। फिर थर्ड है आपका होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। यहाँ पर भी हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट्स थे एंड जो प्रेजेंट थे, वो दे सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर है आपका कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यूपी में जो कुशीनगर के जो भी स्टूडेंट, अफेक्टेड स्टूडेंट थे, वो लोग दे सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स जो प्रेजेंट थे। एंड फिफ्थ है भिंड, मध्य प्रदेश। यहाँ पर भी हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स जो प्रेजेंट थे। एंड द लास्ट इज़ नागौर, राजस्थान। यहाँ पर भी हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स जो उस दिन प्रेजेंट थे। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो 6 places है जहाँ पर इफेक्ट हुए थे स्टूडेंट, वो लोग वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनका रीनीट होगा। बाकी जिन लोगों ने भी नीट एग्ज़ाम दिया था 17 जुलाई को, वो लोग भी एक बार लॉगिन में जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालकर चेक कर ले कि कहीं उनका भी तो कुछ ऐसा नहीं है, ताकि इनकेस अगर कहीं आसपास के उनमें भी स्टूडेंट्स हैं और उनका भी रीनीट होना है, तो आप लोगों को इन्फॉर्म होना चाहिए। काफ़ी लोग इससे अवेयर नहीं होंगे, तो जिनको भी इसके बारे में पता है, प्लीज़ उन स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ शेयर करिए, ताकि कहीं इन केस उनका भी अगर रीनीट होना है, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, मैंने एक लिंक दिया है, आपको वहाँ पे जब डायरेक्ट क्लिक करोगे, आप सीधा लॉगिन पेज पे पहुँच जाओगे। सो ये एनटीए का ऑफिशियल लॉगिन पेज है, यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। श्योरिटी के लिए बस अपना एप्लीकेशन नंबर, जो आपका 17 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था, वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालकर, डेट ऑफ बर्थ डालकर एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आप
लोगों का भी तो रीनीट एग्ज़ाम नहीं होना है। अगर होना है तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जब आप लॉगिन करोगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा, एंड नहीं है तो देन फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।